स्ट्रेट लाइन, लाइन के बारे में मैंने थोड़ा सा बोला था कि लाइन क्या होती है। इसकी इक्वेशन भी हमने ड्राइव की थी। इसकी इक्वेशन जो है वो क्या थी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए से तो क्या होती है, वो ए के मानिए कि जो टिप होती है ए वेक्टर की, उससे तो वो पास होती है। ये अगर मैं ओरिजिन ले लूँ तो ये तो है तुम्हारा ए वेक्टर। और बी वेक्टर की क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन लाइन की ये होती है ए प्लस लैम्डा बी। और बहुत सिंपल तरीके से जो है ये आ गई थी। यहाँ हमने पी पॉइंट लिया था जिसका पोजीशन वेक्टर आर माना जाता है, एनी पॉइंट का। प्लेन में भी आर लेंगे हम, एनी पॉइंट जब भी लेते हैं थ्री डायमेंशनल में वो आर वेक्टर लेते हैं। और आर वेक्टर क्या होता है, एक्स वन आई कैप, वाई वन जे कैप, जेड वन के कैप। और ए वेक्टर जो है उसके कोऑर्डिनेट्स जो है टिप के, ए एक्स वन वाई वन जेड वन, और वेक्टर के रूप में लिखें तो ए वेक्टर क्या होगा, एक्स वन आई वाई वन जे और जेड वन के। और बी वेक्टर है, कोई राइटर जो है इसको बी वन बी टू बी थ्री ले लेता है, कुछ है ना, इसको एल एक्स एल आई एम जे ऐसे भी ले लेते हैं। तो बी वन आई बी टू जे बी थ्री के, वो क्यों लेते हैं एल एम एन, वो भी मैं बताऊंगा। तो अगर ये हमारे पास हैं तो यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन फॉर्म, और ये तो है वेक्टर फॉर्म वेक्टर के हिसाब से, दोनों हमने साथ साथ रखनी है, वेक्टर फॉर्म भी और कार्टेशियन फॉर्म भी। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये कार्टेशियन जो है मैथमेटिशियन था उसी की देन है, उसके नाम पे पढ़ रहे हैं ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें एक्स वाई जेड जो है वो कोऑर्डिनेट होते हैं, उस फॉर्म में भी जो है लाइन की इक्वेशन होती है। ये आई कैसे थी, हमने ओ को जो है पी से मिलाया था। तो यहाँ पे जो ए पी वैक्टर बना तुम्हारा, ये बी के पैरेलल होता है। तो ए पी कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। लैम्डा ले लो, म्यू ले लो, एम ले लो। तो ए पी क्या होगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर और लैम्डा बी। तो यहाँ से आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ए प्लस लैम्डा बी। ये तो थी वेक्टर फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म बहुत इजी है। यहाँ हम जो है आर के कोऑर्डिनेट, आर की जो है ए के और बी के जो है कंपोनेंट फॉर्म में रख देंगे। आर क्या होता है, एक्स वन आई सॉरी एक्स आई वाई जे जेड के। ए क्या था तुम्हारा बेटा, एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के प्लस लैम्डा। ये क्या था, बी वन आई बी टू जे बी थ्री के। तो जब दो वेक्टर बराबर होते हैं, ये इधर वाला भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, जब दो वेक्टर बराबर होते हैं तो आई जे के जो कोफिशेंट्स होते हैं वो बराबर होते हैं। यहाँ पे एक्स आई वाई जे जेड के, इधर आई वाले जो कोफिशेंट्स हैं इनको इकट्ठे कर लो। एक्स वन आई है यहाँ, लैम्डा बी वन आई है, तो क्या हो जाएगा, एक्स वन प्लस में लैम्डा बी वन आई कैप। अगला क्या हो जाएगा, एक्स टू सॉरी वाई वन प्लस लैम्डा बी टू और जे। और तीसरा क्या हो जाएगा, जेड वन प्लस लैम्डा बी थ्री और के कैप। ये बात समझ में आ गई होगी, हमने इक्वेशन ली है वेक्टर लाइन की वेक्टर फॉर्म, और जो वेक्टर थे आर एनी पॉइंट था तो उसके
वेक्टर फॉर्म के एक्स आई वाई जे जेड के, ए जो है वो पासिंग पॉइंट होता है वहाँ पे एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के, और बी जो है वो बी वन आई। तो दो वेक्टर जब बराबर हैं तो हमने आई का कोफिशेंट आई और जे का कोफिशेंट ये इक्वल करेंगे, तो एक्स क्या हो गया यहाँ पे एक्स वन प्लस में लेमडा बी वन, वाई वन क्या हो गया वाई वाई वन प्लस में लेमडा बी टू, ये है कोफिशेंट ऑफ आई कैप, फिर कोफिशेंट ऑफ जे कैप, फिर कोफिशेंट ऑफ के कैप, जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जेड वन प्लस में लेमडा बी थ्री। अब यहाँ से एक बात और निकल के आ रही है, एक्स वन को इधर ले लें हम, एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लेमडा बी वन, यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू लेमडा बी टू, और यहाँ से क्या हो जाएगा जेड माइनस जेड वन लेमडा बी थ्री, और इसको आगे सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन बाई बी वन लेमडा, यहाँ से वाई माइनस वाई वन बाई बी टू ये भी लेमडा, जेड माइनस जेड वन बाई बी थ्री ये भी लेमडा। जब ये तीनों लेमडा आ चुके हैं तो तीनों क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए, तो एक्स माइनस एक्स वन बाई बी वन, वाई माइनस वाई वन बाई बी टू, और जेड माइनस जेड वन बाई बी थ्री, ये कार्टेशियन फॉर्म है लाइन की। आया कैसे, सिंपल सा था, वेक्टर्स के कंपोनेंट्स रख दिए, आई का कोफिशियंट्स आई के बराबर, जे का जे के बराबर, के का के बराबर, डेरिवेशन कोई नहीं आएगी यहाँ पे, ये डेरिवेशन है। तो हमने ये ज्ञान होना चाहिए ये लाइन की इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म, ये लाइन की इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म। तो यहाँ से हमने क्या किया, जब आई का कोफिशियंट कंपेयर किया तो एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस लेमडा बी वन, y इज इक्वल टू वाई वन प्लस में लेमडा बी टू, जेड इज इक्वल टू जेड वन प्लस में लेमडा बी थ्री। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू हर पार्ट में से निकाली और तीनों बराबर हैं ये, तो ये कार्टेशियन एक फॉर्म ऑफ ए लाइन है। अब इससे हम सीधा लिख सकते हैं, दो इन्फॉर्मेशन सीधी हैं, पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट क्या है एक्स वन वाई वन और जेड वन, जो यहाँ घटा हुआ होता है एक्स में से वाई में से जेड में से, समझ रहे हो, और बी वन बी टू बी थ्री क्या है ये डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन रेशियोज, क्योंकि ये जो लाइन है ना हमारी ये बी के पैरेलल थी, और जब पैरेलल होते हैं, जब दो लाइनें पैरेलल होते हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि उनके डायरेक्शन रेशियोज सेम होते हैं। अभी तक ये बताया था रेशियोज जो है सेम होते हैं कि इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके, इसके मान लेते हैं एल एम एन है लाइन के, तो एल बाई ए वन एम बाई बी वन और एन बाई सी वन क्या होंगे इक्वल होंगे, तो रेशियो मैंने के ले लिया, तो यहाँ से ए वन क्या हो जाएगा एल बाई के, यहाँ रख दें इसकी वैल्यू, B1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये B1 था, ये B2 था, ये B3 था, तो B1 क्या आ जाएगा L by K, Y माइनस Y1 ये क्या आ जाएगा M by K, और ये क्या हो जाएगा Z माइनस Z1 और N by K, तो 1 by K रेशियो हैं कॉमन आके कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास X माइनस X1 by L, y माइनस वाई वन बाई एम और z माइनस जेड वन बाई एन। ये जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन है, इन कार्टेशियन फॉर्म, जब ये तो पासिंग पॉइंट हो और ये उसके डायरेक्शन रेशियोज हो, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है कार्टेशियन फॉर्म में। अब
अब तक हमने क्या देखा? पहली बात तो वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन थी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। और दूसरा हमने क्या देखा है, एक्स माइनस एक्स वन बाई एल, वाई माइनस वाई वन बाई एम और जेड माइनस जेड वन बाई एन। ये जो है डायरेक्ट, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये तो वेक्टर फॉर्म है। और ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है। अब हमारे पास, मैंने शुरू में बताया था, जो लाइन होती है उसके लिए दो कंडीशन होती हैं, यहां कंडीशन क्या थी, एक तो पासिंग वेक्टर है और एक पैरेलल है। यहां दो कंडीशन क्या है, एक तो पासिंग पॉइंट है और एक उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, कोसाइंस भी लिख सकते हैं इनको। अब दूसरी बात, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, अब की बार कंडीशन चेंज कर दी उसने, पासिंग पॉइंट दे दिए दो, एक तो एक्स वन वाई वन जेड वन और एक, ठीक है। अब हमने इसकी इक्वेशन निकालनी है, हमने जो अब तक किया है उसका बेनिफिट लेंगे हम। कोई भी लाइन जो एक्स वन वाई वन और जेड वन से पास होती हो क्या लिखी जाएगी, फिर लिखेंगे वेयर एल एम एन आर डायरेक्शन रेशियोज। देखो कोई एक पॉइंट मिल गया हमें भाई, एक शर्त तो मिल गई, पासिंग पॉइंट मिल गया। पासिंग पॉइंट मिल गया तो अब दूसरी चीज क्या रहेगी, डायरेक्शन रेशियोज निकालनी। और दो पॉइंटों को जब हम ज्वाइन करते हैं तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस। एल क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई क्या हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन और जेड क्या हो जाएगा, टेन जेड टू माइनस जेड वन। तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन और जेड टू माइनस जेड वन। ये तीसरी नई बात आई है। पहली बात यह, दूसरी बात यह, तीसरी बात ये। पहली बात क्या है, जब इक्वेशन ऑफ ए लाइन लिखनी हो और किसी को एक वेक्टर दे रखा है उससे गुजरती है, और जिसका पोजीशन वेक्टर है ए, और एक लाइन वेक्टर है दूसरा बी जिसके पैरेलल हो, तो वो क्या होगी, ए प्लस लैम्डा बी। और कार्टेशियन फॉर्म में कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, तो क्या हो जाए, एक्स माइनस एक्स वन बाई एल, वाई माइनस वाई वन बाई एम और जेड माइनस जेड वन बाई एम। अगर दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो ये ऊपर हम एक्स टू वाई टू जेड टू भी ले सकते हैं, तो वही इक्वेशन आएगी, आंसर एक का होगा। मैंने यहाँ लिख दिया एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन वाई, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो चाहिए नीचे, ऊपर पासिंग पॉइंट चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो जो ज्वाइन ऑफ टू पॉइंट्स होता है उसके क्या होते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये, वो यहाँ लिख दिए। पासिंग पॉइंट में इसको भी तो मान सकता हूँ, तो एक्स माइनस एक्स टू और ये वही आएंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं, बार बार यूज होंगे आगे। और
इसकी वेक्टर फॉर्म भी हम लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म ये कैसे लिखा जाएगा, एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के प्लस लैम्डा क्या हो जाए, एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे और जेड टू माइनस जेड वन के। ये वेक्टर फॉर्म है पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। ये थी कार्टिशियन फॉर्म पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। लाइन में और कुछ शेष नहीं है, जो बातें हैं वो अब हम सारी कर चुके हैं। लाइन के बारे में नथिंग इज न्यू, दो बात और हैं वो इन्हीं में से जो है निकलेंगी, बाकी लाइन का जो है यही हमारे पास डिटेल है। तो लाइन में हमने क्या क्या देखा है बेटा, पहला आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ए क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट। बी क्या होता है, टू विच लाइन इज पैरेलल। दूसरा एक्स माइनस एक्स वन बाई एल वाई माइनस वाई वन बाई एम जेड माइनस जेड वन बाई एन। ये क्या होता है, एक्स वन वाई वन जेड वन क्या है बेटा, पासिंग पॉइंट। और एल एम एन क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। तीसरा टू पॉइंट फार्मूला, एक्स माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन जेड टू माइनस जेड वन। यहाँ पे क्या है, एक्स वन वाई वन जेड वन एंड एक्स टू वाई टू जेड टू क्या है, दोनों के दोनों पासिंग पॉइंट हैं। अब आएगा एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइनें दे रखी हैं, एक तो है आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी वेक्टर, दूसरी लाइन है सी वेक्टर प्लस में लेमडा म्यू ले लो, क्योंकि लेमडा इसमें ले लिया, म्यू डी वेक्टर। तो इन लाइनों के बीच में एंगल क्या होगा, मान लेते हैं थीटा एंगल है। तो एक कॉमन सी बात है यहां पे, ये लाइन किसके पैरेलल है बताना एक बार, कोई भी स्टूडेंट बताए ये लाइन किसके पैरेलल है। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही बेटा, और ये लाइन किसके पैरेलल है, अरे धन सिंह बोले कुछ तो बोले। मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही थारे तक, आ रही है सर। बताओ फिर, ये जो लाइन है ये बी के पैरेलल है, ये लैम्डा वाला जो ये पैरेलल वाला होता है, ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, डी के पैरेलल है। तो जो एंगल इन लाइनों में होगा वही एंगल किन में होगा, बी और डी में। और दो वेक्टर के बीच का एंगल हम निकालना सीख चुके हैं, क्या होता है, बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर दोनों की डॉट प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड। बी और डी की डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड, इससे एंगल बिटवीन टू लाइंस आ जाएगा।
और लास्ट एंड फाइनल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। इस पे 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। पहली लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू, अब इसको जो है ना वो दूसरे रूप में लेता है ए वन ए टू, और उसमें लेकिन मैं ऐसे ही रखूंगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और मेरा जो तरीका है इन क्वेश्चंस को करने का, ये बुक से हटके है, बुक का अलग हो सकता है लेकिन मेरा इनसे अलग है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, पहले अब शॉर्टेस्ट शब्द क्यों आया? उससे पहले एक कंसेप्ट होता है स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग। लाइन इन स्पेस और स्क्यू लाइंस। देखो प्लेन में ऐसा नहीं होता, प्लेन में दो नॉन पैरेलल लाइन है तो कितने कितने बढ़ाओगे तो काटेंगी, ये इधर काटेंगी। अगर मैंने इधर लिख ऐसे कर दिया तो ये इधर बढ़ाने से काट जाएंगी। अगर नॉन पैरेलल लाइन है तो नॉन इंटरसेक्टिंग नहीं लिख सकते, किस में नहीं लिख सकते? प्लेन में। प्लेन में तो वो काटें ही काटेंगी, पैरेलल लाइन नहीं काटेंगी, लेकिन नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग स्पेस में हो सकती हैं। एक लाइन ये है और इसके नीचे का थोड़ी सी दूरी पर का ऐसे लाइन निकल जाए, जैसे ये जो लाइन है एक तो मैंने ये ले ली, और एक जो है जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड भी एक लाइन समझ लो, और एक ये इसके ऊपर से गई ऐसे, तो ये तो, और स्पेस इनके बीच में जो डिस्टेंस आएगी फिर उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं, जितना नज़दीक से गुजरेगी ये। और शॉर्टेस्ट की पहचान क्या होती है? ये इसके परपेंडिकुलर होती है और इसके भी परपेंडिकुलर होती है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इनको हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? नॉन पैरेलल, पैरेलल नहीं है, और नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब है वो आपस में काटते भी नहीं है। तुमने बिजली के तार देखे होंगे ना, एक तो ऊंचा खंबा है वो तो ऊपर के गए तार, और एक नीचे जो खंबे हैं उनके जो हैं तार नीचे गए और ऊपर नीचे का निकल सकते हैं बगैर काटे। तो ये स्पेस में एक एग्जांपल है। तो उनके बीच की ये तो मान लेते हैं छोटे खंबे के तार हैं, ये ऐसे हैं, ये हैं हमने ले लिए ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट, और ये ले लिया हमने नॉर्थ टू साउथ ऊंचे के। तो अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एस डी बोलते हैं उसको। और ये जो एस डी होती है इसका सीधा फॉर्मूला है ये सी माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी और डिवाइडेड बाई बी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड। बी क्रॉस डी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, दो वेक्टर का डिफरेंस भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी, डॉट स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर हो गया, और नीचे क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी। तो ये जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो ये 5 फार्मूले जो है हमने यूज़ करने हैं लाइन के अंदर। तो जब भी लाइन की एक्सरसाइज चलती रहेगी, 2 दिन चल रहे, 1 दिन चल रहे, तो पहले मैं पांचों लाइन ये बातों बात सुनूंगा और लिखूंगा, और तुमने जो है अपनी याद कर लेनी है बेटा। अब हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन 11.2,
पहला क्वेश्चन है शो दैट द थ्री लाइन्स आर म्यूचुअली विद डायरेक्शन कोसाइन्स। डायरेक्शन पहली लाइन के क्या है 12/13, दूसरी के सॉरी दूसरा ये 3 -3/13 और -4/13। पहली लाइन के तो ये हैं, दूसरी लाइन के 4/13, 3/13, 12/13, 3/13। तीसरी लाइन के 3/13, -4/13, 12/13। ये कहता है तीनों लाइन है ना आपस में परपेंडिकुलर हैं, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या है लाइन की, दो लाइनें L1L2 + M1M2 + N1N2 इज इक्वल टू क्या होता है 0। ये तुम्हारा L1M1N1 है, ये L2M2N2 है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं सीधे, और ये L3M3N3 है। ये क्या है तुम्हारा L1M1N1 पहली लाइन के, दूसरी के क्या हो गए L2M2N2, तीसरी के L3M3N3। तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या है, L1L2 + M1M2 N1N2 ये क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो करो इसको सॉल्व, 12/13 × 4/13 प्लस -3/13 × 12/13 प्लस -4/13 और इनटू 3/13। ये लाइन हमने फर्स्ट लाइन ले ली, ये सेकंड, ये थर्ड। तो देखो बेटा यहाँ क्या आया, 12 × 48/169, यहाँ क्या आएगा -36/169, और यहाँ क्या आएगा -12/169। तो 169 एलसीएम आ गया, 48 - 48 0 आ जाएगा। तो 1 इज परपेंडिकुलर टू 2। अब हम किस में कंडीशन लगाएंगे, 2 और 3 में। तो उसके लिए क्या हो जाएगा L2L3 M2 M3 + N2N3, इसकी प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। जब भी लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो चाहे डायरेक्शन रेशियोज हों चाहे कोसाइंस हों, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, उन सब का जोड़ के आएगा 0 आएगा। अब L2L3 4/13 × 3/13, मेरे ख्याल में कर लोगे अब, 12/13 और गुणा में -4/13 + 3/13 और गुणा में 12/13। तो वही 48 - 48 और 169 नीचे 0 आएगा। तो ये क्या शो कर रही है, 2 इज परपेंडिकुलर टू 3। ऐसे ही 1 और 3 को भी चेक कर सकते हैं, 4
वन एंड थ्री कंडीशन क्या हो जाएगी, एल वन एल थ्री, एम वन एम थ्री, एन वन एन थ्री, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 12 बटा 13 को किससे गुणा करेंगे, 3 बटा 13 से। माइनस 3 बटा 13 को किससे गुणा करेंगे, माइनस 4 बटा 13 से, और माइनस 4 बटा 13 को माइनस 12 बटा 13 से, 12 बटा 13 से। तो वही ये 48 माइनस 48 169 जीरो आएगा। इसका मतलब एक और तीन भी परपेंडिकुलर हैं, एक दो के परपेंडिकुलर है, दो तीन के और तीन एक के, तो क्या हो गया, दे आर म्यूचुअली आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो ये तो था तुम्हारा पहला क्वेश्चन, समझ आ गया होगा या दोबारा बताने की जरूरत है बेटा? बता दो सर। अच्छा, तीन लाइनें दे रखी हैं बेटा, एक दो और तीन। अब लाइन मिलेगी तुम्हें तो डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे या पासिंग पॉइंट मिलेगा, इनमें से कोई एक दो चीज मिल सकती है। तो इसने डायरेक्शन को साइंस दे दिए, तो कहता है ये प्रूव करो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी दो लाइनों की क्या होती है, अकिन के डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लीकेशन का सम जीरो आता है, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ गुणा करके और जोड़ेंगे तो जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे 12 बटा 13, 4 बटा 13 इससे गुणा कर लेंगे, ये इससे और जोड़ करेंगे तो क्या आता है, जीरो आता है। इसका मतलब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। ये कंडीशन एक बार नहीं कई बार लगेगी इसमें, लाइन में भी और प्लेन में भी। ऐसे ही ये जो लाइन दूसरी है तीसरी के परपेंडिकुलर दिखानी है, तो इनकी डायरेक्शन कोसाइंस के मल्टीप्लीकेशन का जो सम है वो क्या आएगा, जीरो आएगा। इसको इससे गुणा करो, इसको इससे और जोड़ करोगे तो जीरो आएगा। एंड इन द सेम वे फर्स्ट एंड थर्ड लाइन कैन बी ट्रीटेड वेयर द फर्स्ट डायरेक्शन रेशियोज 12 बटे 13 और इसका 3 बटे 13 है, इनकी मल्टीप्लीकेशन का सम आफ्टर दैट इनका, फिर ये इनका, ये सब का क्या आएगा, जीरो आ रहा है। तो इट मीन्स लाइन्स आर परपेंडिकुलर। सेकेंड क्वेश्चन, शो दैट द लाइन थ्रू दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। ये कहता है को लाइन है लाइन थ्रू द पॉइंट्स, एक माइनस एक दो और तीन चार माइनस दो एंड ए लाइन थ्रू जीरो तीन दो एंड थ्री फाइव सिक्स आर परपेंडिकुलर। ये यूं कहता है कि एक माइनस एक दो तीन चार माइनस दो, इससे गुजरने वाली लाइन ए बी लाइन हम कह लें, वो दूसरी लाइन है कोई, और वो किन पॉइंटों से गुजरती है, जीरो तीन दो। रब फिगर बना लिया करो इसमें, एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा, हाँ इसको सही नॉलेज है। सी डी, ये कहता है ये जो लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इब हमने परपेंडिकुलरिटी कंडीशन पढ़ी थी, अक क्या होती है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, अक सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज दोनों, कोई सा कर ले लें, ऑफ टू लाइंस इज जीरो। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी
ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे बताओ। तीन में से एक गया दो, मैं घटा भी दे देता हूँ एक बार लिख। फाइव चार में से एक गया पांच, ये पांच हो जाए माइनस एक हो माइनस फोर तो ये हो गए बेटा दो पांच और माइनस चार। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी, सी डी के क्या होंगे, तीन माइनस जीरो, पांच माइनस तीन और छः माइनस दो, तो क्या आ जाएंगे बेटा तीन दो और चार। ए वन ए टू प्लस इसके जो ये इनको ए वन बी वन सी वन भी ले सकते हैं, इनको ए टू या एल वन ऐसे भी ले सकते हैं। ये क्या है एल वन एम वन एन वन, ये एल टू एम टू एन टू, तो एल वन एल टू एम वन एम टू एन वन एन टू वो निकालो, तीन गुणा में दो जमा पाँच गुणा में दो माइनस चार गुणा में चार, तो छः जमा दस माइनस सोलह, सोलह माइनस सोलह क्या आ गया जीरो। सो लाइन्स आर परपेंडिकुलर, बस ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। यहाँ मैं क्वेश्चन को फिर बता देता हूँ, दो पॉइंट को जोड़ने वाली एक रेखा है ए बी, ऐसे ही दूसरे दो पॉइंट हैं उनको जोड़ने वाली दूसरी रेखा है सी डी। प्रूव करना था ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, तो परपेंडिकुलर दिखाने का एक नजरिया है डायरेक्शन रेशियोज इसके बना लो, डायरेक्शन रेशियोज इसके बना लो। पहले डे क्वेश्चन में क्या था, डायरेक्शन रेशियोज दे रखे थे उसने, ये ना दे रखे थे यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो पहले कड़े कड़ाए दे रखे थे, इसके ये हैं इसके ये हैं। क्वेश्चन है अब की बार कहता है शो दैट द लाइन्स, अब की बार पैरेलल प्रूव करवा रहे, शो दैट द लाइन थ्रू पॉइंट्स चार सात आठ और टू थ्री फोर इज पैरेलल टू द लाइन, ये लाइन किन के थ्रू है, माइनस एक माइनस दो एक पॉइंट वन टू फाइव। एक लाइन तो है ए बी, किसके थ्रू है, चार सात आठ, और दूसरी पॉइंट है दो तीन चार, और दूसरी लाइन है सी डी, यूं ले लो यूं ले लो, क्यों करे ले लियो थारी मर्जी है, ऐसे ले लिया मैंने, ये किसके थ्रू है, माइनस वन माइनस टू वन सी और डी एक दो पाँच। ठीक है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या थी, परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब एल वन एल टू एम वन एम टू एन वन एन टू इज इक्वल टू जीरो, और पैरेलल कब होती हैं, जब रेशियोज बराबर हों, एल वन बाई एल टू एम वन बाई एम टू और एन वन बाई एन टू। एल एम एन डायरेक्शन रेशियोज भी हो सकते हैं और कोसाइंस भी, कोई भी, तो हम यहाँ एल एम एन निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी क्या आएंगे बेटा, दो में से चार घटाओ, तीन में से माइनस टू
माइनस फोर और माइनस फोर। ओके, तो ये आ गया बेटा माइनस दो, माइनस चार और माइनस चार, ठीक है ना। रेशियोज हैं तो एक दो दो लिख लो, मैंने क्या करा दो माइनस दो से डिवाइड कर दिया। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी, ये एल वन एम वन एन वन है तुम्हारे, सी डी के क्या होंगे, कहाँ है सी डी, ये री डी में से सी के घटा दो, एक में से माइनस एक घटाओगे क्या बचेगा, दो, दो में से माइनस दो घटा दो कितना बचेगा, चार, चार, पांच में से एक गया, चार, चार। ये तो तुम्हारे एल वन एम वन एन वन है, ये क्या है बेटा, एल टू एम टू और एन टू है। एल वन बटे एल टू कितना आया, एक बटा दो। एम वन बटे एम टू कितना आएगा, दो बटा चार, यो भी एक बटा दो। और एन वन बटे एम टू कितना आया, दो एक बटा दो, एक बटा दो। तो सो लाइन्स आर पैरेलल। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस ये है कि कंसेप्ट जो है तुम्हारे क्लियर होने चाहिए, ये दिमाग में रहनी चाहिए बातें, सोते उठते जागते लाइनें पैरेलल कब होती हैं, परपेंडिकुलर कब होती हैं, कोई लाइन किससे गुजरती है, किसके पैरेलल होती है, ये तुम्हारे अब बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए। चौथा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, विच पासिस थ्रू द पॉइंट, एक दो तीन। अब एक पॉइंट भी थे जाना तो इक्वेशन फटाफट लिख दिया, और क्या हो जाएगी इक्वेशन, एक्स माइनस वन बाई एल, वाई माइनस टू बाई एम, जेड माइनस थ्री बाई एन। अब हमारा काम रह गया एल एम एन निकालना, ठीक है, पहले कार्टेशियन फॉर्म निकाला करो, वेक्टर बाद में देखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट एंड इज पैरेलल टू, एक वेक्टर है इसके पैरेलल है, थ्री आई प्लस टू जे माइनस टू के। तो ये जो लाइन है इस वेक्टर के पैरेलल है, ये है थ्री आई प्लस टू जे माइनस टू के। तो जब पैरेलल होते हैं तो जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो सेम होते हैं, या रेशियोज़ होते हैं वो सेम होते हैं। इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज़ क्या हैं बताना, इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज़ क्या हैं, तीन दो माइनस दो, आई जे के, क्योंकि एक्स आई वाई जे जेड के होता है आर वेक्टर, तो रेशियोज क्या होते हैं एक्स वाई जेड, और कोसाइंस क्या होते हैं एक्स वाई आर बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, समझ रहे हो बात को। तो इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, तीन दो माइनस दो। अब लाइन पैरेलल है इसके, तो लाइन के भी क्या होंगे, तीन दो और माइनस दो। ये तीन वाई माइनस टू वाई टू और z माइनस थ्री बाई माइनस दो, ये आंसर है। ये तो है कार्टेशियन फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो कैसे कैसे लिखूंगा, r वेक्टर लिख लो, इनके साइन उल्टे करके, क्योंकि घटे हुए हैं ना, ये i प्लस टू जे प्लस थ्री के प्लस लैम्डा टाइम्स ये नीचे वाले थ्री आई प्लस टू जे माइनस टू के, ये तो वेक्टर फॉर्म है, और ये कैसी है बेटा, कार्टेशियन फॉर्म है।
क्या करना था, इक्वेशन निकालनी थी। एक लाइन जो इस पॉइंट से पास करते हैं, इस कंडीशन दो ही देगा, वही कंडीशन है, पासिंग पॉइंट है एक के पैरेलल है। अब पासिंग पॉइंट आते ही इक्वेशन ने फटाफट लिख दिया, और सबसे पहले यो काम करा, और एक्स माइनस पहला कोऑर्डिनेट बाई एल, वाई माइनस दूसरा कोऑर्डिनेट बाई एम, जेड माइनस तीसरा कोऑर्डिनेट बाई एन। एल एम एन निकालने के लिए आगे कंडीशन देगा वो। क्या कंडीशन दी इसने, अगर ये जो लाइन है हमारी जिसकी इक्वेशन निकालना चाहते हैं किसी इस वेक्टर के पैरेलल है, पैरेलल होगी तो डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, इसके तीन दो माइनस दो हैं तो इस हमारी लाइन के भी क्या होंगे, तीन दो माइनस दो होंगे। तो दैट्स योर कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म बनानी हो तो ये जो घट रहे हैं यहाँ इनके उलट साइन, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, और प्लस लैम्डा टाइम्स थ्री आई प्लस टू जे माइनस टू के। फिफ्थ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो टू आई माइनस जे प्लस फोर के से पास होती है, मैं पूरी स्टेटमेंट लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन ना रहेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। तो हम पहले कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे, दैट पासिस थ्रू द पॉइंट। ओके, हुज पोजिशन वेक्टर ऑफ क्या है उसका, टू आई माइनस जे प्लस फोर के, इससे तो गुजरता है एंड इन डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब इसके पैरेलल है, तो सीधा हो गया यो ए है तुम्हारा, यो बी है, तो आर वेक्टर क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू टू आई प्लस लेमडा आई प्लस टू जे। लेकिन मैं करता हूँ हमेशा कार्टेशियन फॉर्म। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, दो माइनस एक चार, और इस वेक्टर के वो पैरेलल है, तो इससे पासिंग पॉइंट ये मिल गया, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस टू बाई एल, वाई प्लस वन बाई एम, और जेड माइनस फोर बाई एन। एल एम एन आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, और लाइन पैरेलल किसके है, आई प्लस टू जे माइनस के, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, एक वन टू माइनस टू माइनस वन, तो एल कितना हो गया तुम्हारा वन, एम कितना हो गया दो, दो, और एन कितना हो गया माइनस वन, माइनस वन। ये कार्टेशियन फॉर्म होगी, वेक्टर फॉर्म मैं इसी में से लिखूंगा सीधा, इसका उलट साइन, माइनस है ना तो प्लस टू आई माइनस का जे, और माइनस फोर है ना तो प्लस फोर के, लैम्डा टाइम्स आई टू जे माइनस के, आई प्लस टू जे माइनस के, ठीक है। तो ऐसे करना है, ये पांच क्वेश्चन कर लेना शाम तक बेटा, और फिर शाम को क्लास लेते हैं और हम इस लाइन में आगे बढ़ते हैं, अपने फार्मूले एग्जांपल आर्टिकल ये वो समझ लेना इसमें से और कर लेना, पांच क्वेश्चन जो है वो करके दिखाने तुमने शाम तक, ठीक है। कोई बात समझ में ना आवे दिन में वीडियो देखना दोबारा से, फिर समझ में नहीं आ मेरे से फिर पूछ लियो, फिर समझ में ना आवे फिर पूछ लियो, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी बार पूछो।
थैंक यू बेटा।